हमने एक इमरजेंसी एलईडी लाइट बनाया, वो भी कबाड़ के सामान से। कहने का मतलब है आप एलईडी का सिर्फ डब्बा है, ये अपना मल्टीमीटर का डब्बा भोपाल का बैटरी के द्वारा एक इमरजेंसी लाइट बनाया है। देखिए इस लाइट पे हम को चार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये एलईडी जल रहा है, इसका मतलब है इसकी जो बैटरी चार्ज होता है। तो हम आपको ये बताते हैं कि इस एलईडी बल्ब को जो इमरजेंसी लाइट है इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमने एक मीटर का कवर ले लिया। इस कवर में इधर हमने एक होल बना लिया, इस पे हमको एलईडी का जो बल्ब है उसको लगाएंगे उसके लिए। इसके बाद इस कवर को खोलने के बाद ये देखिए हमने इस पे एक मोबाइल का बैटरी लगा दिया। बैटरी का ये वाला भाग है प्लस और ये भाग माइनस। तो इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम पहले इसको चार्जिंग सॉकेट लगाते हैं। इस बैटरी को चार्ज करना है उसके लिए हम चार्जिंग भाग को पहले इसको हम बनाते हैं। तो चार्जिंग भाग बनाने के लिए पहले हम एक सॉकेट ले लिए। यह है 5 पिन का सॉकेट, में ये 5 पिन है। इसमें से ये जो पहला पिन है ये हो गया प्लस के लिए और ये लास्ट वाला पिन है ये माइनस के लिए। बाकी बीच का जो 3 पिन को हम इसको छोड़ देंगे, इसका यूज नहीं करना है माइनस। तो पहले इस चार्जिंग सॉकेट का हम कनेक्शन करते हैं। तो हमने चार्जिंग सॉकेट पर ये 2 वायर को जोड़ लिए। अब इस सॉकेट को कवर पर लगाते हैं। तो इस कवर पे यहां पे हमने होल कर लिया। अब इस पे इस सॉकेट को, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट को हम लगा देते हैं। तो हमने इस कवर पे सॉकेट को लगा दिया, चार्जिंग सॉकेट लग गया। ये देखिए अब इस सॉकेट को गोंद के द्वारा, गम के द्वारा इसको चिपका देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको गोंद से इस सॉकेट को चिपका दिया। अब चलते हैं इस सॉकेट और बैटरी के बीच का कनेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक डायोड, इसका नंबर है IN4007। तो ये सफ़ेद पट्टी हो गया इसका कैथोड और ये हो गया एनोड। तो इसके कैथोड को इस बैटरी के प्लस सिरे के साथ जोड़ देते हैं। तो डायोड के कैथोड को इस बैटरी के प्लस के सिरे के साथ जोड़ दिए। अब इसका जो एनोड है इसको, ये चार्जर का जो प्लस वाला वायर है इसके कैथोड पे, सॉरी इसके एनोड पे रख के जोड़ देते हैं। तो देखिए इसके एनोड पर हमने चार्जर का प्लस वाला वायर लग के जोड़ दिए हैं। अब लेते हैं एक एलईडी, अब यूज करते हैं इसका एलईडी। एलईडी को इस कवर में पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो हमने ये एलईडी लगा लिया, इसका ये वाला सिरा प्लस है और इसका माइनस। अब एलईडी का प्लस सिरा और डायोड के एनोड के बीच एक 560 ओम का रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। तो ये डायोड का एनोड और एलईडी का प्लस के बीच एक 500 ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिए हैं। अब बचा है डायोड का जो एलईडी का जो माइनस वाला सिरा है इस सिरे पर, जो चार्जिंग सॉकेट से जो माइनस वाला जो वायर है इस वायर को जोड़ देते हैं। तो हमने एलईडी के माइनस पे ये चार्जर वाला जो माइनस वाला वायर को ये जोड़ दिया। अब इसी जो माइनस वाला पॉइंट से बैटरी के जो माइनस पॉइंट पर के बीच एक वायर को जोड़ देते हैं। तो एलईडी के माइनस सिरे से बैटरी के माइनस के बीच एक वायर को हमने जोड़ दिया। तो इसी तरह से इसका चार्जिंग जो भाग है ये कंप्लीट हो चुका है।
तो चलिए पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम इसमें चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये चार्जर है, देखिए चार्जर लगाते साथ ये एलईडी ग्लो करने लग गया। इसका मतलब है हमारा चार्जिंग वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेते हैं कोई भी खराब एलईडी बल्ब। इस एलईडी बल्ब में ये पूरा लाइट और ये कवर को पूरा निकाल देंगे। जैसे हमने निकाल के रखे, ये देखिए, ये सिर्फ हमारा कवर, हीट सिंक और एक कैप की हमको जरूरत है। तो इसमें हम लाइट को लगाने के लिए सबसे पहले कोई भी एक खराब जो एलईडी ट्यूबलाइट है, उस खराब एलईडी ट्यूबलाइट में से आपको ये एलईडी को निकालना पड़ेगा। तो इस एलईडी में देखिए, ये मीटर को हमने एक कंटिन्यूटी रेंज में रख लिया, इस रेंज में, और इस एलईडी को हम जैसे चेक करते हैं, देखिए ये देखिए, एक दो तीन चार की सीरीज ये जल रहा है। हम लेते हैं आठ लाइट, ये चार, ये देखिए चार, और ये चार जल रहा। तो हमको लेना है इसमें से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। तो हमें दस एलईडी की हमको जरूरत है, बाकी हमको जरूरत नहीं है। तो हमने से इसमें से दस एलईडी लिए, इसमें से हम दो दो एलईडी को यूज का काट देते हैं यहां से। तो सभी एलईडी का में दो दो एलईडी को ऐसा काट के हम इस हीट सिंक पर इस टाइप में हम चिपका देंगे। तो हमने इन सभी एलईडी को एक गोंद के द्वारा चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद देखिए, ये एलईडी का इधर का भाग है माइनस और ये भाग है प्लस है। तो सभी एलईडी का माइनस को हमने एक तरफ रख लिया और सभी के माइनस को आपस में जोड़ दिया, और ये भाग है प्लस का, तो सभी के प्लस को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसमें जो दो वायर है, एक और, एक ऑरेंज है और एक येलो है। तो ऑरेंज वाला वायर को हमने ये प्लस वाला सिरे पे जोड़ दिया, ये है प्लस वाला पॉइंट। और जो येलो वाला वायर है, ये इसको हमने ये माइनस सिरे पे लाके जोड़ दिया। तो ये इस तरफ से इसका हो गया ये माइनस और ये हो गया प्लस। तो अब इसको हम इस एलईडी का जो कैबिनेट है, जो कवर है, इसमें इसको हम फिट कर देते हैं। अब लेते हैं एक स्विच। इस एलईडी जो बल्ब है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच को हम इसके कवर पर फिट कर देते हैं। अब इसमें हमने एक स्विच को लगा दिया। तो स्विच में देखिए, ये है दो पॉइंट। तो इसमें से जो प्लस वाला जो वायर है, ये ऑरेंज वाला है, तो एक वायर को स्विच के एक सिरे पे जोड़ देते हैं। तो स्विच के एक सिरे पे एक ऑरेंज वाला वायर पे जोड़ दिए, और दूसरे सिरे से दूसरा वायर को हम ऑरेंज वाले का दूसरा वायर को यहां पे जोड़ देते हैं। तो हमने स्विच के दूसरे सिरे पे ऑरेंज वाला वायर को जोड़ दिए, और ये जो दो वायर है, एक ऑरेंज है और एक येलो है, ये जाएगा प्लस सिरे पे बैटरी के, और ये जाएगा बैटरी के माइनस सिरे पे। तो बैटरी का ये जो प्लस सिरा है, यहां पर हम इस ऑरेंज वाला वायर को जोड़ देंगे।
तो हमने बैटरी के प्लस सिरे से ये ऑरेंज वाला वायर को जोड़ दिया, और ये जो येलो वायर है ये इसको जोड़ देते हैं बैटरी के ये माइनस वाले सिरे पे। तो हमने ये जो पीला वाला ऑरेंज येलो वायर है हमने इसके माइनस सिरे पे लाके जोड़ दिया। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फिट करके चलाते हैं।